दरख्त पर बैठा हुआ परिंदा कभी शाख के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि इसका एतमाद शाख की मजबूती पर नहीं बल्कि अपने परों की मजबूती पर होता है। इसलिए ज़िंदगी में सहारे ढूंढने की बजाय इस परिंदे की तरह खुद पर एतमाद करना सीखो, क्योंकि सहारा तो एक दिन टूट जाएगा लेकिन आपका खुद पर एतमाद आपको कभी गिरने नहीं देगा। आपके रास्ते में किस तरह की मुश्किलात आएंगी ये आप तय नहीं कर सकते, लेकिन इन मुश्किलात से निकलना कैसे है ये आप ही को तय करना है। परों को खोल कर ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मैं जानता हूँ कि मैं आसमान का तारा नहीं हूँ। सफ़र मुश्किल है, कठिन है और मैं बेचारा नहीं हूँ। गिरता देखकर मुझको हंसते हैं तो हंसने दो, मेरे हौसले बुलंद हैं, मैं फिर से उठ जाऊंगा। मुश्किल है मेरी मंजिल पर मैं हारा नहीं हूँ। दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों से ना घबराओ, क्योंकि मुश्किल तो हमेशा काबिल लोगों के रास्ते में ही आती है। बेकार लोग तो वैसे ही रहते हैं। तुझे क्या गुजरी जो मुस्करा रहा है, इसे दर्द से पाला होगा। जो चल रहा है इसके पाँव में भी छाला होगा। बिना ठोकर के इंसान संभल नहीं सकता, जो जलेगा इस दिए में उजाला होगा। दोस्तों, परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवा को भी रास्ता देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, वो करो जो तुम कर सकते हो और तब तक करो जब तक तुम कर सकते हो, और जब तुम थक जाओ, जब तुम ना कर सको तो एक बार और ट्राई ज़रूर करना। ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत ना हारना, हमेशा कोशिश करते रहना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। हमेशा याद रखना कि गिरना अहम नहीं है, गिर कर उठना अहम है। अहम ये नहीं कि आप कितनी बार गिरते हो, अहम ये है कि आप उठने में कितनी देर लगाते हो। सो जो हार कर भी उठने की हिम्मत रखता है उसे कौन गिराएगा, और जो कभी हार नहीं मानता उसे कौन हराएगा। अगर तुम वो काम करोगे जो आसान है तो तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूर मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुम वो काम करोगे जो मुश्किल है तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो के आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि उम्मीद आपको कभी छोड़ कर नहीं जाती, बस आप ही उम्मीद को छोड़ देते हैं। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। दरख्त पर बैठा हुआ परिंदा कभी शाख के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि इसका एतमाद शाख की मजबूती पर नहीं अपने परों की मजबूती पर होता है।